अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महनाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मटर पनीर पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और ये मटर पनीर पुलाव जो आज हम बनाने जा रहे हैं, ये खाने में बहुत ही जायकेदार लगता है। तो फ्रेंड्स, आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने के लिए हमने ये यहाँ पर बासमती राइस लिया हुआ है और मैंने ये मेज़रमेंट किया है इस बाउल से। तो मैंने ये फुल एक बाउल लिया है और इसको अच्छे से वॉश करके कम से कम हाफ एन आवर तक इसको मैंने भिगो दिया था। फ्रेश मटर लिए हमने और ये मैंने मटर जो है जिस बाउल से मैंने चावल मेज़रमेंट किए थे उसी बाउल से मैंने मटर मेज़रमेंट करके डेढ़ लिए, क्योंकि जब मटर पुलाव हम जब भी बनाएं तो थोड़ी ज़्यादा चावल से उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखें तो उससे एक बहुत सौंदापन आएगा हमारे मटर पुलाव में और बहुत अच्छे बनेंगे। 250 ग्राम्स हमने फ्रेश मलाई पनीर लिया है, एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया है, इसको हम गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। एक इंच का अदरक लिया है, इसको बारीक काट लिया है। ये मैंने टोटल यहाँ ली थी 8 मिर्च, जिसमें से 3 मैंने ऐसे काट ली हैं और 5 मैंने साबुत डालेंगे हम इसके अंदर। हाफ टी स्पून सौंफ ली है, हाफ टी स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, 8-10 कलियाँ लहसुन की ली हैं और 1 इंच अदरक लिया है। इसका हम पेस्ट बनाएंगे और ये मैं बिरयानी का फ्लेवर इसमें आए इस वजह से यूज़ कर रहे हैं इसको हम सौंफ और साबुत धनिए को। ये हमने गरम मसाले लिए हैं, इसमें 2 बड़ी इलायची हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 8-10 काली मिर्च हैं, 5-6 लौंग हैं, 7-8 हरी इलायची हैं और 5-6 तेज़पात के पत्ते हैं और 1 पूरा भरकर चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। 15-20 हमने काजू लिए हैं, हाफ बंच हमने फ्रेश हरा धनिया लिया है, इसको गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। फ्रेंड्स, चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक पैन में ये ऑयल ले लिया है और इसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें सबसे पहले हम अपनी ये अनियंस डाल देंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमारी प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो गई है, जिस स्टेज पे हमें निकालनी चाहिए। बस अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं प्याज को। तो प्याज हमने निकाल ली है, अभी जो ऑयल बचा है इसमें हम 1 क्यूब डाल देंगे बटर का। फ्लेम हमने लो किया हुआ है और ये अपने सारे खड़े गर्म मसाले डालेंगे इसमें, को चला देंगे। काजू डालेंगे, काजू रोस्ट करेंगे हल्के से। देखिए हमारा फ्लेम जो है हमने लो किया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे अपना जो हमने पेस्ट बनाया था, इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि ये जो कच्चा पानी अदरक लहसुन का वो निकल जाए। तब तक इसको भूनेंगे हम। अब यहाँ हम ऐड करेंगे, हमने जो हरी मिर्च काटी थी बारीक वाली वो ऐड करेंगे, लंबाई में काटा हुआ अदरक भी ऐड कर देंगे इसी में। हम इसको चलाएंगे, थोड़ी इसमें हम फ्राइड अनियंस भी ऐड करेंगे जो हमने अभी निकाली थी फ्राई करके, तो चलाएंगे। अब हम इसमें मटर डाल देंगे, हाफ टी स्पून इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि मटर में जो है थोड़ा सॉल्ट हो जाए। इसको चलाएंगे और से 5 मिनट तक हम ऐसे ही मटर को इसमें थोड़ा हल्का सा गला लेंगे। तब तक हम अपना पनीर फ्राई कर लेते हैं साइड में। देखिए यहाँ हम पनीर भी फ्राई कर रहे हैं एक साइड। पनीर को हम जो है लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी मटर भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं मसाले में और एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जो हमने पेस्ट डाला था इसमें सौंफ और धनिया अदरक लहसुन के साथ, तो उससे एकदम बिरयानी वाला फ्लेवर लग रहा है, जैसे बिरयानी बना रहे हैं मटर बिरयानी। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये हम डालेंगे इसमें पानी भर के, 2 इसमें बाउल पानी डालेंगे, एक डाल लिया हमने, एक और डालेंगे। अब यहाँ हम ऐड करेंगे थोड़ा सॉल्ट, क्योंकि थोड़ा सॉल्ट उन्होंने मटर में डाला था फ्राई करते टाइम, थोड़ा हम इसमें डालेंगे। पानी में हम एक बॉयल आने तक पकाएंगे हम ऐसे ही मटर को, जब एक बॉयल आएगा उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। देखिए पानी बॉयल हो चुका है, अब हमें इसमें डालना है अपने ये चावल जो हमने भिगो के रख दिए थे। चावल डाल देंगे इसके अंदर, चावल को चलाएंगे ताकि मटर और ये सब मिक्स हो जाए इसमें। अब यहाँ हम डालेंगे ये जो हमने साबुत अपनी हरी मिर्ची रखी थी, ये डाल देंगे इसमें हम। यहाँ हमने पनीर जो फ्राई किया वो भी इसमें ऐड कर देंगे।
मिक्स करेंगे सबको। ये हमने एक नींबू का जूस निकाल लिया, इसको डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे चावल चिपकेंगे नहीं और चावल में एक बहुत वाइटनेस रहेगी। इसको सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसको कवर करके कम से कम 10-12 मिनट्स तक पकाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे। 10 मिनट्स हो चुके हैं, आइए इसको खोल कर देखते हैं। देखिए पानी तो सारा एब्जॉर्ब हो चुका है इसमें लगभग। इसको बहुत आराम से चलाएं ताकि चावल टूट ना जाए। इसको हमने मतलब 10 मिनट्स के लिए स्टीम में रख दिया है, एकदम स्लो पर, जिसको कहते हैं कि दम पर रख दिए हमने चावल। 10-12 मिनट्स तक हमने इसको स्लो फ्लेम पे रखा था, एक बहुत ही स्लो कर दी थी। अब इसको देखते हैं, माशाल्लाह ये तो एकदम बन के हमारे तैयार हो गए मटर पुलाव। देखिए इसको चेक कर लेते हैं, एकदम साइड से चेक करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं चावल। एकदम से बढ़िया, देखिए कितने खिले खिले और एकदम बढ़िया गल गए हैं और खिले खिले भी हैं। तो आइए इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसको सर्व कर लिया है। इसमें थोड़ी सी हम ये जो प्याज हमने फ्राई की थी थोड़ा ये डाल देंगे ऐसे गार्निशिंग के लिए। थोड़ा फ्रेश धनिया पत्ती डालेंगे। ये देखिए हमारी एकदम रेडी है मटर पुलाव। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा मटर पुलाव एकदम से रेडी है, और हमने जो प्याज को फ्राई किया था वो हमने गार्निशिंग में इसमें डाल दी है, और धनिया पत्ती से भी इसको गार्निश कर दिया है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बना के देखिएगा इसी टाइप से। और इसको आप बूंदी के रायते के साथ, दही के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत लजीज लगता है। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।